हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक। तो फाइनली फ्री फायर में OB41 का अपडेट सक्सेसफुल हो गया है। और गाइस इस अपडेट में बहुत सारे कैरेक्टर की एबिलिटी को चेंज कर दिया गया है, बट मैन्युअली 4 कैरेक्टर की एबिलिटी को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है OB41 अपडेट में। एंड गाइस 2-3 कैरेक्टर की एबिलिटी में माइनर चेंजेस भी हुए हैं। तो जो मेन कैरेक्टर है जिसकी एबिलिटी पूरी तरह से चेंज हो गई है, उसका नाम है नायरी, सोरुयू, शानी और एंटीनियो। तो ये सारे कैरेक्टर हैं जिसकी एबिलिटी पूरी तरह से चेंज हो गई है। तो गाइस आप लोग इसके ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर्क, मतलब गाइस ये सारे कैरेक्टर पर फिर से वर्क करके इन सब की एबिलिटी को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। तो आज हम जानेंगे कि ये सब कैरेक्टर में आखिर क्या क्या चेंजेस हुआ है जिसके वजह से ये सब कैरेक्टर पहले से और भी ज्यादा फेमस हो गए हैं। और गाइस बाकी के कैरेक्टर जिसमें माइनर चेंजेस हुए हैं उसके बारे में आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नायरी कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में। तो गाइस जिसकी एबिलिटी में बहुत ही अमेजिंग अपडेट हुआ है। और गाइस नायरी की जो एबिलिटी है वो गाइस सबको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। तो गाइस नायरी की एबिलिटी अभी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये कैसे वर्क करती है। तो अभी आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी मेरे HP बहुत ज्यादा कम है और गाइस मैं यहाँ पे एक ग्लूवाल को लगाता हूँ और एनिमी जैसे ही मेरे ग्लूवाल को डैमेज कर रहा है वैसे गाइस यहाँ पे देखो मेरे HP यहाँ से बढ़ने लग रहा है। एक बार फिर से गाइस एनिमी यहाँ पे एक बार और डैमेज कर रहा है, तो यहाँ पे देखो गाइस मेरे फिर से यहाँ पे 10 HP बढ़ रहा है। मतलब गैस एक ग्लूवाल से आपको टोटल 40 HP मिलने वाला है। और अगर आप लोग दूसरा ग्लूवाल लगाते हैं और उसमें अगर इनेमी फाइट करता है तो गैस आपको उससे भी HP मिलने वाला है। तो गैस आप लोग जितना ग्लूवाल लगाओगे आपको उतना HP बढ़ता रहेगा। एक और बात, जब इनेमी आपके ग्लूवाल पे डैमेज करेगा तो 5 मीटर रेडियस का एक सर्कल बन जाएगा और इस सर्कल में जितने भी आपके टीममेट रहेंगे उन सबको भी HP मिलेगा। तो नायरी की ये फर्स्ट एबिलिटी है जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो नायरी की दूसरी एबिलिटी है कि जब नायरी कैरेक्टर ग्लूवाल लगाता है तो गैस आप लोग इसको जल्दी से तोड़ नहीं पाओगे, आप लोग कंटिन्यूअसली फायर करोगे एंड जब आपका गन रिलोड मिलेगा तो गाइस उस टाइम पे नायरी कैरेक्टर का जो ग्लूवाल है वो ऑटोमेटिक हील होने लग जाएगा। तो नायरी कैरेक्टर के द्वारा लगाया हुआ ग्लूवाल बहुत पावरफुल होगा जिसको तोड़ने में गाइस आपको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। तो ये नायरी कैरेक्टर की एबिलिटी जो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड कैरेक्टर की जिसका नाम है सोरुयू कैरेक्टर। सोरुयू की एबिलिटी पूरी तरह से चेंज हो गई है। तो गाइस इसकी एबिलिटी की जब आप पे कोई एनिमी डैमेज करेगा तो गाइस उसका और उसका टीममेट का उसके ऊपर गैस एक पिंक कलर का मार्क लग जाएगा और ये जो मार्क गैस वो 6 सेकंड तक रहेगा। एंड एक बात तो गैस जो मार्क रहेगा वो गैस आपको भी देगा और जो आपके टीममेट रहेंगे उन सबको भी इनेमी का मार्क दिख जाएगा। तो गैस जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो गैस अगर आपको इनेमी छोटा सा भी डैमेज करता है तो सोरुयू की वजह से एनेमी और इनेमी के टीममेट सब पे मार्क लग जाएगा। और गैस आप लोग से एनेमी फाइट करते टाइम अगर इनेमी थोड़ा सा भी बच जाएगा तो गैस आपके टीममेट के पास उसका लोकेशन चल जाएगा, तो आपके टीममेट इनेमी को खत्म कर देंगे। तो गैस ये सोरुयू कैरेक्टर की एबिलिटी जो गाइस पूरी तरह से चेंज हो गई है OB41 अपडेट में। तो जो थर्ड कैरेक्टर है उसका नाम है एंटीनियो कैरेक्टर और इसकी भी एबिलिटी पूरी तरह से चेंज हो गई है। तो एंटीनियो की एबिलिटी कि जब आप लोग इसकी एबिलिटी को लेकर जाते हो तो गाइस यहाँ पे आपको 40 शील्ड पॉइंट मिलेगा। और गाइस ये जो शील्ड पॉइंट है आप लोग इसका वर्क समझो, तो गाइस जब आप लोग को कोई भी एनिमी डैमेज करेगा तो गाइस आपका शील्ड पॉइंट पहले खत्म होगा, उसके बाद फिर गाइस आपका HP खत्म होगा। एंड गाइस एक बात तो अगर आप लोग एनिमी से किसी भी तरह से 4 सेकंड के लिए बच जाते हो तो गाइस आपका जो 40 शील्ड पॉइंट है वो गाइस फिर से आपको रिगेन हो जाएगा। और फिर अगर आपको एनिमी मारेगा तो गाइस सबसे पहले आपका शील्ड पॉइंट कम होगा, उसके बाद फिर आपका HP कम होगा। तो एंटीनियो की भी एबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में। तो नेक्स्ट कैरेक्टर है सानी कैरेक्टर और इसकी एबिलिटी पूरी तरह से चेंज हो गई है। तो सानी कैरेक्टर की एबिलिटी की अगर आप लोग कोई भी एक्टिव स्किल को यूज करते हो तो गाइस आपको 50 टेंपरेरी शील्ड पॉइंट मिलता है और अगर आपके 10 मीटर रेडियस के अंदर जितने भी आपके टीममेट होंगे उन सबको भी गाइस 50 शील्ड पॉइंट मिलेगा जो गैस कुछ सेकंड के बाद ये गैस पूरा खत्म हो जाएगा। तो गैस ये केवल आपको टेम्पोरी शील्ड पॉइंट मिलने वाला है, गैस आपको ये परमानेंट शील्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ये सानी कैरेक्टर की एबिलिटी जो कि OB41 अपडेट में पूरी तरह से चेंज हो गई है। तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे कैरेक्टर के बारे में जिसमें माइनर चेंजेस हुआ है। तो पहला कैरेक्टर का नाम है स्काइलर कैरेक्टर। तो गैस स्काइलर कैरेक्टर में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है गैस, बस थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। पहला चेंजेस गैस इसका कूल डाउन टाइम में हुआ गया, इसका कूल डाउन टाइम को थोड़ा कम कर दिया गया। पहले गैस 45 सेकंड था, अब इसमें 40 सेकंड कर दिया गया है। और दूसरा चेंजेस जब आप लोग स्केलर को यूज करते हो तो गैस उस जगह पे रेड कलर का सर्कल बन जाता है। तो गैस वो सर्कल 5 सेकंड के लिए रहता था लेकिन गैस अब वो सर्कल गैस 6 सेकंड का हो गया। मतलब गैस जिसमें स्केलर की एबिलिटी को थोड़ा इनहेंस कर दिया गया है। तो हमारा जो अगला कैरेक्टर है उसका नाम है मोको कैरेक्टर। तो मोको की एबिलिटी में ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, बस इसमें छोटा सा चेंज हुआ है। तो पहले मोको की एबिलिटी थी कि जब इसको कोई मारता था तो गैस उसके ऊपर 5 सेकंड के लिए एक मार्क लग जाता था और अभी भी लगता है। तो इसमें चेंज ये हुआ कि
पहले जब इनेमी मूव करता था तो गैस वो मार्क 11 सेकंड तक रहता था, लेकिन गैस अब ये केवल 6.5 सेकंड तक ही रहता है। तो इस बार मोको की एबिलिटी का पावर को थोड़ा कम कर दिया गया है। तो गैस ये है वो सारे कैरेक्टर जिसकी एबिलिटी चेंज हो गई है OB41 अपडेट में। तो गैस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो गैस वीडियो को एक लाइक करना और आपका दिल करेगा तो गैस एक सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गैस बाय बाय।